चल रहे हो घूमने? रानी बाग तक जा रहा है यार, रानी बाग। सो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग 6 o'clock और आज मैं बहुत टाइम बाद छत पर आया हूँ और छत से मैं नज़ारे दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड, पूरे हल्द्वानी के नज़ारे देखिए, वाह मस्त। और ऊपर हिल साइड में देख रहे हो कैसा फॉग लगा हुआ है, कोहरा बोल सकते हैं इसको, हॉल बोलते हैं ऐसे, हॉल, ठीक है, देख रहे हो। तो सामने वाली साइड पर भीमताल है और पूरा हल्द्वानी का शहर देख रहे हो, मस्त कैसा लग रहा। सो यार अभी मेरा प्लान है ऊपर रानीबाग के ऊपर शीतला देवी मंदिर है उधर जाने का, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा नीचे जाते हैं और रेडी होते हैं। शर्ट तो यही पहनी, नीचे डालनी है लोअर। और एक सेकंड, मैं आपको इधर से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ नज़ारे, ठीक है। ऑलमोस्ट हल्द्वानी कवर हो जाता है, तो इधर देखिए क्या मस्त लग रहा है, इधर से भी पूरा हल्द्वानी, जहाँ जहाँ पेड़ है ना वाली जगह बहुत मस्त लगती है ग्रीनरी। और तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं गोप्रो पे, ठीक है बाबा। सो भाई आज की राइड की शुरुआत करते हैं भोले बाबा के नाम के साथ, बोलो हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ। तो अभी निकलते हैं, इसमें फ्यूल भी डलाना है, तो अभी जाते हैं हम सीधे यहाँ से रानीबाग को। हेलो हबीबी, इधर को भी आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? यार ये यार क्या करें, मार्केट हो रही है। अरुण भाई बाबा, अरुण भाई डर लग रहा है यार। चल रहे हो घूमने? रानीबाग तक जा रहा है यार, रानीबाग। क्या बात, ऐसे ही काम है कुछ, जाओ यार तो मार्केट करनी है आज सर। और कैसे चल रहा है? बढ़िया, चलो मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय बाय। तो यार रात भर पूरी बारिश हो रखी है और मौसम देख रहे होंगे आप लोग कितना खतरनाक हो रखा है, अभी भी पूरा बारिश आने वाला हो रखा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ काठगोदाम रानीबाग के पास में शीतला देवी के मंदिर दर्शन करने और फिर आते हैं, बहुत टाइम हो गया मंदिर नहीं गए हुए हैं, तो थोड़ा सा मन की शांति के लिए होके आते हैं और दिल भी कर रहा था कि मंदिर होके आते हैं। तो अभी निकल रहे हैं, सबसे पहले इसमें कराएंगे फ्यूलिंग, ठीक है। तो भाई रोड में ना कीचड़ कीचड़ हो रखा है कहीं कहीं, तो इसमें गाड़ी स्किड करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और बाकी ये जानवर जो इस तरीके से रहते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो हमेशा इस चीज़ में संभल के चलाएं, ठीक है। तो इनका कोई भरोसा नहीं रहता, ऐसे ही रात को भी बैठे रहते हैं, रात को जब आप ड्राइव करते हो ना तब सेफली करिए बस। हो गया। सो भाई फ्यूल हमारा डल चुका है, अब चलते हैं। मैंने सीधे वहाँ से मुखानी वाले रोड से सीधे कॉलेज के पास में शॉर्टकट ले लिया था, ठीक है, तो इधर पहुँच गया था, यहाँ से डलवा लिया मैंने क्योंकि पेट्रोल पंप और दूर है और ये सबसे नज़दीक पड़ता है इधर से आने से, जितना हम रोडवेज जाएंगे तेल डलवाने उतने में हम इधर पहुँच जाएंगे। और बाकी ये है आपका MB कॉलेज, देख सकते हैं अभी तो मतलब भीड़ नहीं है, अभी जैसे ही कॉलेज खुलता है तो ख़तरनाक सीन हो जाता है, मतलब पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक रहता है ना। और बाकी अभी तक लाइट जली हुई है और भाई 15 अगस्त आने वाला है, सबको जय हिंद, है ना भाई। लोग देख रहे होंगे ना पूरा उधर पे ये हॉल लग रहा है इसको, मतलब आप बादल बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, कोहरा टाइप भी होता है बट ये ठंडा नहीं होता है, तो ये जब लगता है ना तो समझ लो कि पानी नीचे से सोखता है फिर ऊपर जाके बरसा देता है, तो बारिश आने के 100% चांसेस हैं। तो कुल मिला के बारिश आएगी ही आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो बाकी यार आप लोग ना ख्याल रखना अपना, ऐसी बारिश में ना ज़्यादा दूर मत निकलना, हिल्स पर मत निकलना, जो कि आजकल पहाड़ खुद नीचे आ रहे हैं बह के।
जो ये नीचे नदी है ना, इसको गोला बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम था ना, पहले गार्गी नदी था, तो धीरे धीरे इसको बोला गया आपका गोला नदी। और बाकी हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी से 8 किलोमीटर है आपका माँ सीता देवी का मंदिर, और इन पहाड़ों में खूबसूरत हरियाली के बीच में बसा हुआ है। आगे जाके इसका गेट है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका, सॉरी राइट हैंड साइड पर आता है आपका पेट्रोल पम्प, और थोड़ा सा वहाँ से 50 मीटर आगे जाके आ जाता है माँ सीता देवी का गेट। और ये देखिए आगे है, ठीक है, इधर ही हम गाड़ी खड़ी करेंगे और उसके बाद सीधे मंदिर में दर्शन करके आएंगे, ठीक है। सामने आगे को करते हैं क्योंकि इधर को थोड़ा सा दिक्कत होती है, पत्थर वत्थर रखे ना, तो यहाँ पर को करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट करके आते हैं मंदिर में दर्शन, उसके बाद जाएंगे वापस से ड्यूटी, ठीक है। सो फैमिली ये है गेट, अभी इस पर देखो रेनोवेशन का काम चल रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक रेन शेल्टर टाइप, और ये गेट है, इधर आपका पेट्रोल पंप है, तो इधर से आपको आना है, और ज़्यादा नहीं है, करीब 500 मीटर होगा और आप पहुँच जाएंगे सीधे मंदिर पे, ठीक है। देख रहे हो बारिश की वजह से कैसी तबाही मच रखी, इधर सारा ये पूरा रास्ता ख़राब हो रखा बारिश की वजह से। सो अभी तो अकेले अकेले चल रहा हूँ, बाकी एक बंदा आने वाला था मेरे साथ, शाम को बोल रहे थे हाँ मैं भी चलूँगा, सुबह सुबह नींद में सोए हैं, कोई आने का कोई मतलब ही नहीं, तो चलते हैं। बाकी यहाँ की जो स्टोरी है, मंदिर की स्थापना कैसे हुई, रानी बाग क्यों कहा जाता है, मंदिर में दर्शन करने के बाद बताएंगे। यहाँ से पीछे की तरफ पहाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, और इधर ना धुंध है हल्की हल्की, आपको दिखा दूँ एक सेकेंड, ये देखिए हल्की हल्की धुंध लगी पड़ी है, जो सामने वाले पहाड़ों पर दिख रही है ना धुंध, वही धुंध इधर आई है। और रानीबाग शहर कुछ इस तरीके का है अपना छोटा सा, ये इसको आप नगर बोल सकते हैं, बहुत प्यारा सा है। बाकी है रोड से 500 मीटर ऊपर आपको चलते जाना है, और रास्ते में बारिश वारिश आती है, इन रेन शटर के नीचे आप बैठ सकते हैं, आगे भी बने हुए हैं, और यहीं से मंदिर स्टार्ट हो जाता है। फैमिली आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, सामने है माँ सीता देवी का मंदिर, तो बहुत प्यारा सा मंदिर है, आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, जगह बहुत प्यारी है, बिल्कुल एकदम शांत एरिया। सो फाइनली पहुंच चुके हैं इस देखो खूबसूरत सी जगह में, चारों तरफ से बहुत प्यारी खूबसूरत सी जगह है, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी बना रखी है, कितना क्लीन करके रखा हुआ है सब कुछ, और ये छोटे छोटे सीढ़ीदार गार्डन, ठीक है। तो बाकी आप लोग आ सकते हैं, हल्द्वानी से ज़्यादा दूर नहीं है, मस्त जगह है, और अगर आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, तो जगह बहुत प्यारी है भाई, है ना, देखो कितनी मस्त जगह है। सो फैमिली मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए, आप भी कर लीजिए, तो बोलो जय माता दी। सो फाइनली दर्शन कर लिए, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। बाकी ये हमारे नंदी महाराज, ये देखिए, और इधर है हमारे भोले बाबा, ये देखिए, बोलो हर हर महादेव। सो फाइनली मेरे दर्शन हो चुके हैं, जस्ट मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ये है माँ सीता देवी का मंदिर, और पीछे है आपका अंबिका का मंदिर, और यहाँ पे हैं भैरव बाबा, और जो पीछे दिख रखे हैं इधर हैं भोले बाबा, और उससे पीछे वाला है वो भी भोले बाबा का टेंपल है। सो बहुत प्यारी सी जगह है, बहुत खूबसूरत सी जगह है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, एक नज़र डालिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जगह है, मस्त, और चारों तरफ देखो घना जंगल है, बिल्कुल घना जंगल, ये देखिए मस्त।
सो फैमिली फाइनली दर्शन मेरे हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। बाकी आई इस मंदिर की स्टोरी की बात, तो बहुत पहले की बात है, भीमताल गांव है ना, भीमताल में एक पांडे गांव है, तो वहां के कोई पांडे लोग थे, वो गए बनारस, बनारस से लाए वो माता की मूर्ति, ठीक है, यहां मतलब अपने गांव में स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या था ना मतलब उस टाइम पे क्या था, रास्ते सही नहीं थे और इतनी सुविधाएँ नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो वो लोग आते रहे स्टे करते करते, और वो जब यहाँ पर पहुँचे तो उनने यहाँ पर भी स्टे किया। तो जो मेन थे जिनने अपने गांव ले जाके वो मूर्ति स्थापित करनी थी, उनको रात को सपना आया कि ये मूर्ति यहीं होगी, वो मूर्ति को उठा रहे हैं, वो उठ नहीं रही है, इस टाइप का उनका जो सपना था वो हकीकत में बदलने वाला था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और सब ने अपना नहाया, अपना सब जो भी दिनचर्या रहती है वो पूरी करी, उसके बाद उन्होंने कहा चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ने लगे आगे, माता की मूर्ति को उठाने लगे, भाई मूर्ति उठी नहीं, और मतलब उनने फिर वो सपना बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना हुआ है, किसी ने यकीन ही नहीं करा भाई, पूरा आधा दिन निकल गया मूर्ति नहीं उठी। तो भाई फिर सब ने आपस में मिलकर डिसाइड करा कि माता की मूर्ति यहीं पर स्थापित की जाएगी। तो माँ सीता देवी दुर्गा का ही रूप होती हैं, तो फिर तब जाके अपना माँ शीतला देवी का यहाँ पर स्थापना किया गया, और यहाँ से मूर्ति कहीं नहीं ले जा गई, और बाकी ये बसा है रानी बाग पे। और रानी बाग क्यों बोला जाता है, एक्चुअली जो कत्यूर राजा थे उनकी रानी थी जिया रानी, और जिया रानी का इधर था बाग, उद्यान को बोलते हैं बाग, तो उसी के नाम से रानी का बाग यहाँ का नाम पड़ा, रानी बाग, ठीक है, समझ रहे हो, रानी का बाग, तो रानी बाग यहाँ का नाम पड़ गया, ठीक है, जिसको भी कन्फ्यूजन है। और बाकी नीचे चित्रशिला घाट भी है, और यहाँ पर है आपका जीने मरने का एक अद्भुत दृश्य, सामने देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और भाई एकदम शांति से भरा हुआ स्थान है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी कुछ मांगता है मन्नत पूरी होती, सच्चे दिल से आओ, ठीक है, मस्त करके, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जय माता दी, मिलते हैं गोपरों पर। नीचे नदी में पानी का फ्लो दिख रहा है कितना ज़्यादा है, देखिए बिल्कुल खतरनाक सीन है। कोई गाड़ी आ रही क्या? अभी अभी ना बारिश का तगड़ा वाला मौसम हो चुका है, और बारिश आ सकती है तगड़ी, तो इससे पहले बारिश आए हमें पहुंच जाना है अपनी ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि आजकल बारिश इतनी खतरनाक आ रही ना, पूरा रोडों में भर जा रहा है पानी और नुकसान हो रहा है बहुत तगड़ा, तो चलते हैं। बाकी अभी देखो लॉन्ग राइड कब का देखने के लिए मिलता है आपको, थोड़ा सा चल रहा है लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो बस आप लोगों के लिए वीडियो डालते रहना है ना, और बाकी जिस चीज़ को पकड़ा है अपने, मतलब क्या कहते हैं अपनी हॉबी होती है ना, उस चीज़ को हमेशा फॉलो करते रहना है, बाकी सफलता मिले ना मिले ये सब आप लोगों के हाथ और ऊपर वाले की देन है कि क्या है क्या लिखा है अपनी किस्मत में, है ना भाई, किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और समय से पहले भी, बाकी हम भी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, देखो कब क्या रहता है लाइफ में। जो अपना स्टेडियम वाला रोड है ना, ये बड़ा घुमावदार है, मतलब आपको पहाड़ वाली फीलिंग आ जाएगी इस वाली रोड में, मतलब जैसे पहाड़ों में ऐसे सांप की तरह गाड़ी चलती है ना, इधर सेम वैसी गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, तो आप लोगों को अगर पहाड़ वाली रोड का आनंद लेना है तो स्टेडियम वाली रोड पर आ जाओ, है ना, सीधे यहाँ से निकलो आप गुरुद्वारे से, और तिकोनिया पर निकलो, तिकोनिया से नीचे, और मस्त करके, बाकी चलो बारिश से बच गए, और अभी देखो कितनी देर में आती है बारिश, पहुंचेगी पक्का बारिश, इतना तो डन है बारिश होगी पक्का, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है तो बारिश का होना तय है। सो फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी हो रखा है आपका 7:40, तो अभी 20 मिनट है 8:00 से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, तब तक डाटा एक्सपोर्ट करते हैं और एडिट करने में लग जाते हैं, बाकी आप लोगों ने दर्शन करें, बाकी आप लोगों का ना ढेर सारा प्यार चाहिए यार 2023 में, आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, प्लीज़ 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 यार, मतलब समझ लो यार, मतलब बहुत तगड़ी वाली रिक्वेस्ट है, समझ लो और कर दो यार, सपोर्ट कर दो। बाकी इस महीने ना 3000 कर देना यार, अभी 2100 हो रखे हैं सब्सक्राइबर, 3000 कर दो जल्दी 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 प्लीज़ यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी मिलता हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।